हेलो गाइस एंड वेलकम। सो एक्चुअली बात ये थी कि दिवाली का ये खास टाइम था, तो आज मैंने कुछ मीठा नहीं खाया था सुबह से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना केवेंटर्स की बॉटल में उसे फर्स्ट क्लास हर्षी सिरप से सजा के, उसको ऑर्नामेंट करके एक आइस लेटे कॉफी एक बार फिर से बनाया जाए टू गेट द स्वीट एक्सपीरियंस एट दिस ऑस्पिशियस दिवाली। व्हाट डू यू से गाइस, मुझे करना चाहिए? यस। So, मैंने कर लिया है। ये देखिए हमारा मिक्सचर हमारे पास तैयार है। समय दिस इज आवर आइस लेटे मिक्सचर जो कि इस जार में जाने वाला है, जिसमें ऑलरेडी कोल्ड मिल्क पहले से है। ये मिल्क हमने यूज़ किया है अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क, ठीक है गाइस। सो चलिए इसको हम फटाक से खोल के पोर कर देते हैं इसके अंदर। और ये जा रहा है इसके अंदर लाइक दिस। ओहो, अब जो फ्रॉथ है ना, अब इस फ्रॉथ को डालना है यार। ये फ्रॉथ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इस फ्रॉथ के बिना मेरा सीन तो गाइस काफी इनकम्प्लीट होता है। जब तक ये फ्रॉथ ना जाए, इस फ्रॉथ के बिना मजा नहीं आता। तो चलिए एक एक करके फ्रॉथ को डाला जाए। फ्रॉथ ही अच्छा खासा हो गया है। बस ऐसे पोर करते रहो यार, मजा आ जाएगा आपको। इसका जो एक्चुअली इसका जो फ्रॉथ होता है ना, वो इतना टेस्टी होता है गाइस, मैं तो दीवाना हूँ उस फ्रॉथ का। मुझे आप ओरिजिनल केवेंटर्स बोल लो पीने ना, मैं छोड़ दूँ पीना। जब से मैंने ट्राई किया है घर में बनाना, तो मुझे बाकी सब फीका लगने लगा है इसके आगे। और ये मेरे को बहुत इजी भी लगता है बनाना, और काफ़ी जल्दी मैं इसको बना के पी भी लेता हूँ। मेरा जब भी मन करता है ना, आई ऑलवेज गो फॉर दिस। झटपट है, बस आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास रॉ मिल्क होना चाहिए, आपके पास कॉफ़ी होनी चाहिए, आपके पास आइस तो क्या होता ही होता है। हर्षीज सिरप इज ऑप्शनल, थरली ऑप्शनल। आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो, कोई फोर्स नहीं है। तो ओवरऑल आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। और ये देख रहे हैं फ्रॉथ का लेवल देखो यार, सिर्फ मैंने हाथ से शेक किया, मैंने कोई मिक्सी का यूज़ नहीं किया, नो ब्लेंडर नथिंग, हैंड ब्लेंडर भी नहीं। इसको कहते हैं प्रिमिटिव ब्लेंडिंग स्टाइल, जो हम लोग हाथ से ही करते हैं। टाइम लगता है लेकिन बनता बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और डेफिनेटली गाइस आप इसको ट्राई करो, इजी टू मेक तो है ही। और आप इसके दीवाने ना हो गए ना, तो फिर लाइफ इज चेंज्ड को आप कुछ भी बोल देना चलेगा। लेकिन गाइस इसको बनाओ, ये बहुत अच्छा लगता है पीने में। ऐसे ही करके थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है डालने में, बिकॉज फ्रॉथ का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा ज़्यादा थिक है। सो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना पड़ेगा, बट आप टेंशन ना लो, वो डल जाएगा। अब बस थोड़ा सा ही बचा है इसमें। आप अगर अभी मेरे पास आइसक्रीम नहीं है, आप ऑप्शनल है आइसक्रीम भी ऊपर से स्कूप, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप आइसक्रीम के स्कूप्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो। वो आपको एक नर्चर्ड टेस्ट देगा अनडाउटेडली। और अच्छा ही लगता है वो भी पीने में, मैंने वो भी ट्राई किया था एक बार। ठीक है, अभी नहीं है तो ये भी चलेगा। बस गाइस थोड़ा सा और डालना बच गया है। ओहो, ये गिरना शुरू हो गया है लगता है। और थिंक गाइस अभी ऑल सेट है पीने के लिए। आप देख सकते हो उसका जो अमेजिंग।
बहुत ज्यादा अमेजिंग गाइस, ये बन के तैयार है हमारा इके विंटर्स आइस लैटे कॉफी एक्सपीरियंस एट दिस ऑस्पिशियस दिवाली। स्टे ट्यून फॉर मोर स्वीट अपडेट्स एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ इज एट चेरिस्ट के साथ। मैं, आप और ये कैवेंटर्स बने रहेंगे हमेशा। टिल देन गाइस, हैव अ सेफ एंड ब्लास्टिंग दिवाली एंड टेक केयर गाइस, बाय।